मेरा नाम रसलान अली है, ठीक है, और मैं हसन टाउन में एक छोटा सा स्कूल सर से ही हाई स्कूल चला रहा हूँ, ठीक है। तो कितना अच्छा हो गया आपको? तकरीबन मुझे यहाँ पे चलाते हुए 30 से 32 साल हो गए हैं स्कूल को चलाते हुए। माशाल्लाह। तो इस वक्त तो क्या मुश्किलात है, क्या हुकूमत आपको? देखें, हुकूमत ने सिर्फ क्या किया है, पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन उसका कोई लाए अमल ने डिसाइड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी पाबंदी लगाने से पहले उसका एक लाए अमल तैयार किया जाता है कि पाबंदी लगाने के बाद जिन लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं उनका हल क्या है। इधर पाबंदी लगी है लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकला, स्कूल बंद कर दिए गए हैं लेकिन बच्चों को कोई मुतबादल रास्ता प्रोवाइड नहीं किया गया। जो टीचर इस रोज़गार से वाबस्ता है उनका क्या हल है, ठीक है। तमाम स्कूल बंद हैं, जो स्कूलों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि एक बंदा है वो यहाँ पे से ही सारी अर्निंग कर रहा है, वो यहाँ से जब अर्निंग कर रहा है तो वो उसका मुतबादल क्या इख्तियार करेगा? इतनी देर स्कूल अगर बंद रहेगा बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल निकलेगा? तो हुकूमत कहती है कि कोरोना है, कोरोना की वजह से जान का भी खतरा है बच्चों को। ये तो बीमारी देखें, या तो लॉकडाउन करने से दोबारा कब खोलेंगे, जब भी खोलेंगे ये मसला तो रहेगा, तो इसका कोई हमने पाबंदी करें, SOP पे सख्ती से फॉलो करवाएं, स्कूल वाले करेंगे, ये बाहर बाजार हैं हर जगह पे कौन फॉलो करता है, स्कूल में किए जाएंगे और स्कूल में सख्ती करवाई जा सकती है, ऐसे ही है। वैसे भी स्कूल में सख्ती करवाई जा सकती है, जितनी भी करवाना चाहें और जितनी पाबंदियां लगाना चाहें लग सकती हैं, बच्चों की केयर भी की जा सकती है, लेकिन अगर बंद बेहतर तरीके से सारे मामलात भी चलते रहेंगे, इसलिए हुकूमत को यही चाहिए कि मैक्सिमम क्या करें, स्कूलों को किसी किस्म का नोटिस या कोई उनके लिए लाए अमल डिसाइड करे, ताकि स्कूलों को किसी किस्म के मसले मसाइल मतलब मशावरत का मशावरत जितनी हो सके स्कूलों से, क्योंकि हमें कोई गाइडलाइन तो प्रोवाइड की जाए ना। स्कूल बंद कर दिए गए हैं लेकिन ये नहीं बताया गया अगला लाए अमल हम क्या डिसाइड करें, किस चीज़ का वेट करें, कैसे करें, कोई नहीं लाए अमल हमें बताया। नहीं, मेरे भी आपकी ये तंजीमें हैं स्कूलों की, वो तो बैठती हैं उनको, लेकिन बैठती हैं उनसे हमारे बातचीत रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो तंजीमें कब तक आगे कोई सुनेगा तो वो करेंगे ना, कोई आगे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता। उनको आगाह किया होता तो हमें भी आगाही मिल जाती, उनको ही नहीं कोई डिसाइड किया जाता, फौरी फैसले हो जाते हैं, ठीक है। कोई डिसीजन पावर कोई या डिसाइड जो लाए अमल के तहत होता है काम, वो डिसीजन नहीं किया जाता। अब हालात क्या हैं? अब हालात देखें बहुत ख़राब हैं हालात, अब देखें स्कूल चल नहीं रहा, हमारा रोज़गार इसी से वाबस्ता है, अगर नहीं ये चलेगा तो कैसे कब तक ये गुजारा करेंगे हम? देखें बहुत से लोग इससे वाबस्ता होते हैं, ठीक है। तो कोशिश हुकूमत को यही चाहिए कि कोई ना कोई हमारे लिए लाजमी कोई तरीका निकाले कि जिससे हमें थोड़ा आसानी हो। बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें? बच्चों के वालदैन को यही पैगाम है कि कोशिश करें, बच्चों को ये बीमारी ऐसी है लेकिन ये है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एहतियात के साथ जिसके साथ जितना चाहें जहाँ तक चाहें चला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बीमारी ऐसी है अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये फैलेगी, लेकिन इसके साथ हमने चलना है और इसमें सारे SOPs को फॉलो करके बच्चों की एहतियात करके बच्चों की पढ़ाई पे खासा ध्यान देना। थैंक यू।